दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। पंखे, कूलर और एसी लोगों को गर्मियों से राहत दिलाने के अपने काम में जुट गए हैं। जब आप पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाते हैं तो उसे देखकर क्या कभी आपने सोचा है कि पंखे में केवल 3 ब्लेड क्यों होते हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसकी वजह इस वीडियो में। दोस्तों दुनिया भर में पंखा बनाने वाली कंपनियां 2 से 6 ब्लेड वाले पंखे बनाती है, लेकिन हमारे देश में 3 ब्लेड वाले पंखे ही ज्यादा प्रचलन में है। चाहे वह सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो या वॉल माउंट फैन हो, जब हम किसी दुकान पर पंखा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार भी सबसे पहले हमें 3 ब्लेड वाले पंखे ही दिखाता है। अब 3 ब्लेड वाले फैन के पीछे क्या वजह है आइए जानते हैं। दोस्तों पंखे में कितने ब्लेड होने चाहिए यह दरअसल साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है। एक बढ़िया सीलिंग फैन से आप यही चाहते हैं कि कमरे में शोर कम मचाए और आपकी तरफ हवा अधिक फेंके। तकनीकी रूप से माना जाता है कि पंखे की ब्लेड जितनी कम होगी उसकी हवा फेंकने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, लेकिन पंखे में ब्लेड जितने ज्यादा होंगे वह शोर उतना ही कम करेगा। दोस्तों रिसर्च कहता है कि अच्छे से हवा फेंकने के लिए पंखे में 3 ब्लेड ही उपयुक्त माना जाता है। ज्यादा ब्लेड होने पर पंखे के मोटर पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से हवा फेंकने की क्षमता कम हो जाती है। हालांकि कई जगहों पर इसका डिजाइन वातावरण पर भी निर्भर करता है। दोस्तों अमेरिका, कनाडा जैसी ठंडी जलवायु वाले देशों में 4 ब्लेड वाले पंखे होते हैं और इनका इस्तेमाल पूरे कमरे में हवा को फैलाने के लिए होता है, ना कि गर्मी में पसीना सुखाने के लिए। दोस्तों भारत एक उष्ण जलवायु वाला देश है, यानी यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी में सीलिंग फैन यहाँ कमरे में ठंडक पहुँचाता है, इसलिए यहाँ 3 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कम ब्लेड होने की वजह से यह तेजी से चलता है और शोर भी ज्यादा नहीं करता। 4 ब्लेड की तुलना में 3 ब्लेड वाले पंखे बिजली की खपत कम करते हैं। 4 ब्लेड वाले पंखे 3 ब्लेड वाले पंखे की तुलना में धीमे चलते हैं। 3 ब्लेड वाला पंखा हल्का होता है और तेज चलता है। इसके साथ ही 3 ब्लेड वाला पंखा आम आदमी के बजट में होता है। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।